जो कहते थे विराट T20 के प्लेयर नहीं, उन सब की बोलती हो गई बंद। साबित हो गया इंडिया का किंग एक ही है, कोहली जैसा दूसरा कोई नहीं। कोलकाता के चार बल्लेबाजों ने फेरा विराट की तूफानी पारी पर पानी। मायूस हो गए कोहली, बीच मैदान पर फिर से बढ़ गए गंभीर और कोहली। तीन तीन एंगल से फोकस हो गया कैमरा। सिराज तो गली की गेंदबाज से भी निकल गए गुजरे, भूल गए गेंदबाजी। दो अय्यर भाइयों के विस्फोटक बैटिंग देखकर कांप गई आरसीबी। 19 गेंद रहते ही केकेआर ने बना दी 186 रन। बीसीसीआई वाले भैया की बोलती बंद हो गई। सोचा था विराट को आसानी से T20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर कर देंगे, मीडिया में यही खबर चल रही थी। लेकिन सिर्फ 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से आई 83 रनों की तूफानी पारी ने साबित कर दिया कि टीम इंडिया का किंग एक ही है, था और रहेगा, विराट कोहली, मतलब किंग कोहली। सिर्फ 59 गेंदों पर 83 रन, स्ट्राइक रेट करीब 141 का। जो ये मान बैठे थे कि किंग कोहली का T20 करियर अब खत्म होने वाला है, उन सब की बोलती सिर्फ एक पारी से बंद हो गई। किंग को हल्के में लेने वाले लोग सन्नाटे में तब चले गए जब विराट के बल्ले से 83 रन की पारी आई। विराट ने तो अपना काम शानदार किया, पर जिन गेंदबाजों पर विराट की मेहनत का फल लगाने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं गेंदबाजों ने नाक कटवा दी। ऐसा लगा कि मोहम्मद सिराज तो गेंदबाजी ही भूल गए। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही सिराज हैं जिनको ध्यान में रखकर टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग कर रही है। 16 के एवरेज से सिराज ने रन लुटवाए। सिराज के सिर्फ 3 ओवर में ही कोलकाता ने 46 रन जुटा लिए। थक हार कर कप्तान फाफ डुप्लेसी ने सिराज को चौथा ओवर फेंकने का मौका दिया। भले ही आरसीबी ये मैच हार गई हो, लेकिन विराट के बल्ले ने एक साथ बड़े बड़े ऐसे रिकॉर्ड्स खड़े किए जिन्हें अब कोई चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगा। विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ मुकाबले में 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से नाबाद 83 रन की पारी खेली और इसी के साथ आईपीएल में ऑरेंज कैप की रेस की लिस्ट में विराट 181 रनों के साथ टॉप पर आ गए। एक तो तूफानी पारी, ऊपर से आईपीएल के सीजन में टॉप स्कोरर, इन दो रिकॉर्ड्स ने उनके आलोचकों को करारा जवाब दिया। इसके साथ ही विराट कोहली ने आरसीबी के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जिसे टूटने में अब सालों लग जाएंगे। विराट कोहली आरसीबी के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली ने इस मामले में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 200 से अधिक छक्के लगाने का कारनामा कर चुके हैं। इससे पहले आरसीबी से खेलते हुए क्रिस गेल ने 239 छक्के लगाए थे। लेकिन विराट के छक्कों के रिकॉर्ड के बाद अब वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए। विराट के कुल 240 छक्के हो गए, जबकि एबी डिविलियर्स अब तीसरे नंबर पर खिसक चुके हैं। आईपीएल में एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए कुल 238 छक्के लगाए, जबकि इसी लिस्ट में फाफ डुप्लेसी 5वें नंबर पर खिसक गए। हालांकि जब रिकॉर्ड मशीन विराट कोहली रिकॉर्ड का पहाड़ खड़ा कर रहे थे, उसी वक्त एक और तस्वीर ने इस मैच का पारा हाई कर डाला था। दरअसल गौतम गंभीर और विराट कोहली का जैसे ही आमना सामना हुआ, पूरे मैदान में हूटिंग होने लगी। दोनों ने बीच मैदान पर जब एक दूसरे को गले लगाया तो मैच देखने पहुंचे फैंस खुशी से झूम उठे। खैर, गले मिलते ही पिछले एक साल से चली आ रही खटास पे मिट गई। वैसे जिस तरह से इस मैच में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की, उस पर फैंस सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि इससे अच्छा तो गली क्रिकेट खेलने वाला बॉलर गेंदबाजी कर लेता है। आपको विराट की बैटिंग और मोहम्मद सिराज की बॉलिंग कैसी लगी, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।